बैंक निफ्टी के 1 मिनट के चार्ट पे आज लाइव मार्केट में आपको यह स्ट्रेटेजी बताऊंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे हमने यहाँ पे RSI में ही रेड और ग्रीन लाइन लगाई हुई है और ऊपर जो दिया गया है सिग्नल्स आप देख सकते हो। यहाँ पर सेल सिग्नल दिखाने के बाद उसी चैनल के लो के नीचे हमें एंट्री कर लेनी है और जो स्टॉप लॉस है उसी चैनल का हाई रहेगा हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 1.4 जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 80 पॉइंट का बन जाता है। यहाँ पे दोस्तों हमें एक ध्यान में रखना है, जब भी ऐसा कोई कैंडल उसके आगे बनता है ग्रीन या फिर रेड तो उसी कैंडल को हमें क्लोज होने देना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है अपसाइड मूवमेंट करने के लिए यहाँ पे तैयार है। एंट्री लेने के बाद यहाँ पे दोस्तों हमारा पेशेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी रेड कैंडल या फिर ग्रीन कैंडल बनने दो, अगर आप पुट साइड एंट्री ले रहे हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको कोई ग्रीन कैंडल बना ही दिखाई दे रहा होगा तो उसे आपको क्लोज होने देना है। सेकेंड कैंडल का आपको दिखिएगा कौन सा बन रहा है। अगर आपने अभी स्टॉप लॉस फिक्स लगाया हुआ है तो आपको अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है आपका लॉस कितना है। यहाँ पे आपको टारगेट को वेट करना है कब तक आपका यहाँ पे टारगेट कंप्लीट नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कहीं ना कहीं हमारा जो टारगेट है वो हमने रखा है 1.4 का और यहाँ पे जो टारगेट के लिए हमारा जो मार्केट है कहीं ना कहीं डाउन साइड मूवमेंट कर रहा है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हमें क्या करना है, डरना नहीं है, पेशेंस को बनाए रखना है। जो भी हमें यहाँ पे टारगेट मिलेगा हमने यहाँ पे रखा है वो आपको ज़रूर मिलेगा। अभी यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो टारगेट बनाए रखा था वो इजीली यहाँ पे हमारा कंप्लीट होने के लिए रेडी है और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मार्केट है वन साइड में चला गया था देन हमें यहाँ पे जो टारगेट है इजीली हमें कंप्लीट करने के लिए मिल चुका था। तो हमने क्या किया, जहाँ पे हमने पहले एंट्री लिया था उस एंट्री को लेकर हमें यहाँ पे टारगेट पे लगा देना है और टारगेट पे लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है या फिर अगर आप जो भी टारगेट का हमारा स्ट्राइक प्राइस रहेगा उसे हमें लेकर यहाँ पे सेकेंड लॉट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और जो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा प्रीवियस हाई या फिर लो रहेगा, क्योंकि दोस्तों प्राइस कभी भी अपसाइड मूवमेंट करने लग सकता है तो इसी वजह से जो स्टॉप लॉस है हमारा फिक्स आप रख सकते हो। और जो हमने टारगेट रखना है आगे वो हमने जो पहला टारगेट रखा था वही हमें यहाँ पे आगे लेके जाना है। यहाँ पर हमारा सेकंड टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे लगभग हमें 266 पॉइंट का यहाँ पे हमारा टारगेट मिला है, उससे ही यहाँ पर हमें ज़्यादा ही टारगेट मिला है पर अप्रॉक्स यहाँ पे हमें 266 का मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊँगा इसके रूल्स और जो हमने इंडिकेटर यूज़ किए हुए उसका क्या सेटिंग्स है। इंडिकेटर सर्च करने के लिए दोस्तों आपको ट्रेडिंग चार्ट पर आ जाना है और यहाँ पे आपको इंडिकेटर पर सर्च करना है डबल RSI ट्रेंड। दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट इंडिकेटर दिखाई दे रहा है आपको इसे आपको चार्ट पर लगा देना है। चार्ट पर लगने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आपको दोस्तों यहाँ पर आपको इनपुट में आ जाना है, आपको ATR लेंथ में आपको 1 कर देना है, फैक्टर में 2 कर देना है, यहाँ पर नीचे RSI शॉर्ट में आपको 14 कर देना है और यहाँ पे 100 आपका सिंपल एज इट इज रहेगा। स्टाइल में आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने देने, इसे ओके कर देना है। दोस्तों अभी हमारा जो सेकंड इंडिकेटर यहाँ पे है इसे हमें सर्च करना है, तो यहाँ पे डबल RSI फॉर कट, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर जो इंडिकेटर है इसे यहाँ पे चार्ट पर हमें लगा देना है। लगाने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसकी सेटिंग में आ जाना है यहाँ पर और यहाँ पे जिसका जो कलर है इसे अपर में हमें रेड रखेंगे और यहाँ पे ग्रीन, या थिंगनेस बढ़ाने के बाद यहाँ पे आपको RSI जो है इसका जो लाइन है ओपेसिटी है थिंगनेस इसे भी हमें ब्लैक कर देना है जो कि हमें अच्छी तरह से चार्ट पर दिखाई देना चाहिए। इनपुट में आना है और यहाँ पे हमें 25 और नीचे 100 कर देना है। ये सभी चीज़ें होने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे ओके कर देना है। अभी ये चार्ट पर हमारा इंडिकेटर सेटिंग सेटअप हो चुका है। दोस्तों आज की स्ट्रेटेजी में हमने टाइम फ्रेम रखा है 1 मिनट का, यहाँ पे आप कोई भी टाइम फ्रेम इसे यूज़ कर सकते हो और इस स्ट्रेटेजी को आप किसी भी मार्केट में यूज़ कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे बेसिकली आज की स्ट्रेटेजी में हमारा जो एंट्री प्रोसेस रहने वाला है काफ़ी ईजी रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी हमें एंट्री करना है तो सबसे पहले क्या क्या हमें देखना है, तो यहाँ पे डबल RSI में आपको देखना ये है, यहाँ पर जो एक लाइन लगी है ब्लैक कलर की, तो यहाँ पे जो RSI की जो लाइन है ब्लैक और रेड वो यहाँ पे क्रॉस करिए, वैसे ऊपर निकलना चाहिए, ये हमारा फर्स्ट कन्फर्मेशन रहेगा। और यहाँ पे जो सेकंड कन्फर्मेशन है यहाँ पे एक बाइंग सिग्नल हमें यहाँ पे दिखाई देना चाहिए और एक कैंडल जो है क्लोजिंग होने के बाद हमें एंट्री करनी है, उससे पहले हमें यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है। एंट्री करने के बाद दोस्तों हमारा जो टारगेट रहेगा 1:4 का रहेगा। यहाँ पर देखिए हमारा जो टारगेट है लगभग 1:4 का यहाँ पर लगभग बन जाता है, तो ये काफ़ी बड़ा टारगेट आपको यहाँ पे फर्स्ट टाइम में मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको ज़रूर एग्जिट हो जाना है। 178 पॉइंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं,
आप देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका 40, 60, 80 पॉइंट का जब भी आप लेते हो तो यहाँ पे आपको दो तीन एंट्री हो जाता है। पर अगर आपको एक बिग टारगेट मिल जाता है तो यहाँ पे आपको तुरंत एग्जिट हो जाना है। और जो यहाँ पर एक कैंडल बना है, कितना बड़ा बना है, तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इस कैंडल का आधा जो है हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं लगभग 67 पॉइंट का। और यहाँ पे जो टारगेट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हमें एग्जिट हो जाना है। ये सिंपल सा स्ट्रेटेजी है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर फिर से अगर हमें पुट साइड अगर पोजीशन बनानी है, यहाँ पर सेल सिग्नल दिखाया तो ये कैंडल क्लोज हुआ, आज का ही लाइव मार्केट है यहाँ पर। अभी देखिए स्टॉप लॉस जो हमें उसी कैंडल का हाई रखना है, लगभग स्टॉप लॉस हो जाता है हमारा 126 पॉइंट का। तो हमें क्या करना है, प्रीवियस कैंडल का हाई या फिर लो रखना है। मैंने कई स्ट्रेटेजी में बताया आपको, अगर कैंडल ज़्यादा बड़ा हो तो आप प्रीवियस कैंडल को पकड़ सकते हो। और जो टारगेट है हमारा 1:4 का है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे लगभग हमें यहाँ पे लगभग हमें टारगेट कितना मिला है, 130 पॉइंट का। तो एक्यूरेट हमें यहाँ पे एंट्री करने के बाद हमारा यहाँ पे एग्जिट हो जाता। और देखिए सेकेंड कैंडल बनने के बाद जो थर्ड कैंडल बना है वो ग्रीन बना है और मार्केट अपसाइड मूवमेंट का है। यहाँ पर बाइंग सिग्नल दिखाया है, इसके ऊपर हमें बाइंग पोजीशन बनानी है। यहाँ पर आप RSI में देख लीजिएगा, यहाँ पर एक्यूरेट यहाँ पे जैसे बाय सिग्नल दिखाया, वहीं पे यहाँ पर RSI की जो ग्रीन रेड लाइन है वो अपसाइड मूवमेंट करने लगी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बाइंग साइड पोजीशन बनाएंगे। और जो हमारा टारगेट है 1:4 का, वो देख लीजिएगा यहाँ पर कंप्लीट हुआ या नहीं। तो यहाँ पर आप देखिएगा एक्यूरेट यहाँ पर हमारा टारगेट जो है एक्यूरेट कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हमें चार्ट को देख के ही तुरंत एग्जिट हो जाना है दोस्तों। एक्यूरेट यहाँ पे देखिए टॉप पे हमारा एक यहाँ पे टारगेट कंप्लीट होने के बाद मार्केट डाउन साइड मूवमेंट किया लगभग दोस्तों। मुझे इसे काफ़ी टाइम लगा इस स्ट्रेटेजी को टेस्ट करने में। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। यहाँ पर भी एक सेल सिग्नल दिखाया, इसके बारे में मैंने पहले आपको शुरू में बताया था इसे हमें कितना टारगेट मिला है। अनदर एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर एक बाइंग सिग्नल मिला है हमें, यहाँ पर भी एक मिला है। तो इस कंडीशन में देखिएगा कहीं ना कहीं प्राइस जो है RSI के ऊपर नहीं निकला है और यहाँ पे भी इसके ऊपर प्राइस कोई गया नहीं है। तो इस कंडीशन में हमें ट्रेड को अवॉइड करना है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें एक बाइंग सिग्नल मिला है और यहाँ पे इस ब्लैक लाइन के जैसे इसको नीचे से ऊपर क्रॉस किया, यहाँ पर ये जो लाइन है ग्रीन बन चुकी थी हमारे RSI की, और यहाँ पे इसके ऊपर हमें बाइंग पोजीशन बनानी थी। और देखिए कितना अच्छा यहाँ पे मोमेंटम मिला हमें, लगभग जो मोमेंटम मिला है हमें 180 पॉइंट का। दोस्तों ऐसे हमें टारगेट ऐसे मिलते रहेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, कैसे आपको एंट्री करना है, एग्जिट करना है, सारे की सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर कर दीजिए ताकि मैं आपके ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाते रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में, तब तक लिए बाय।